हेलो दोस्तों, अपनी गाड़ी के जो शीशे है उसको ब्लैक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, अगर ब्लैक करवानी चाहिए तो कितने परसेंट करवानी चाहिए, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार व्हीलर अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के जो शीशे हैं वो ब्लैक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के जो शीशे होते हैं, जो फ्रंट के शीशे होते हैं वो तो ब्लैक नहीं करवानी चाहिए आपको। और जैसे कि डोर के जो शीशे हैं वो कि चारों जो डोर है उनके जो शीशे हैं क्या आपको ब्लैक करवानी चाहिए? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्लैक करवाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्लैक करने से एक ही चीज़ की जो फ़ायदा होती है कि जैसे कि आपकी एसी की जो कूलिंग है वो कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो सनलाइट होते हैं, धूप होते हैं, वो गाड़ी के अंदर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं ब्लैक शीशा होने के कारण। तो आपको कितने परसेंट जैसे कि करवानी चाहिए, तो इसीलिए आपको जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं उसको आप कितने परसेंट करवाइएगा, जैसे कि आप 60% जो होते हैं शीशे आप उसको ब्लैक करवा सकते हैं, कि आपकी जो 60% करवाने के बाद जो आपकी गाड़ी के जो शीशे जो होते हैं उससे आपको जो पुलिस होते हैं वो कोई रोक छोक नहीं करेगी। जैसे कि आप पूरा 100 में 100 करवा दिए ब्लैक, सो आपको पुलिस रोकेगी उस पर और उस पर आपका चलान भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी कारण आप अपनी गाड़ी में जो शीशे होते हैं उसको आप 60% तक ब्लैक कर सकते हैं, इतना कि बाहर से दिखाई दे सके कि आपके गाड़ी में कितने जन बैठे हुए हैं, कितने आदमी हैं गाड़ी में, उतना कि आप इसको ब्लैक करवा सकते हैं। तो इतने ब्लैक करवाने में आपको कोई रोक छोक नहीं रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी के जो शीशे जो होते हैं अगर ब्लैक नहीं करवाते हैं, जो आपकी गाड़ी में जो धूप होती है और दोपहर के समय में गर्मी के टाइम में तो बहुत ही तेज़ आती है, और तेज आने के बाद आपकी जो एसी की जो कूलिंग होती है वो कुछ ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाती है। सो इसी कारण आपको ब्लैक जो शीशे होते हैं वो आपको करवानी चाहिए। तो अपने गाड़ी में तो अभी नहीं करवाए हैं, तो हम करवाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद, तो अभी 60% हम करवाएंगे। सो अगर आपकी पेट्रोल इंजन है तो ठीक है, आप 60% तक करवा सकते हैं। अगर आपके पास CNG कोई गाड़ी है तो आपको तो कम से कम 40% तो करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी जो होती है, पेट्रोल पे जो एसी होती है कुछ ज़्यादा ही कूलिंग करती है और CNG पे कुछ कम कूलिंग करती है, तो आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। सो एक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जो कि 60% तक ही करवाए, उससे ज़्यादा नहीं करवाए। अगर आप उससे ज़्यादा करवा रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसकी चलान कट सकती है और उस पर फाइन भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बताएं आपको कि सिर्फ 60% तक ही आप इसको करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इतना आप इसको ब्लैक करवा सकते हैं जितना कि बाहर से दिखाई दे कि आपकी गाड़ी में कितने आदमी बैठे हुए हैं। सो उससे अगर पुलिस देखेगी तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अगर उससे ज़्यादा करवा रहे हैं जैसे कि बाहर से दिखाई नहीं दे कि गाड़ी के अंदर कितने आदमी बैठे हुए हैं, सो आपको उससे चलान कट सकता है। तो इसीलिए आप इसको 50% या 60% तक करवा सकते हैं ब्लैक, सो कि उस पर कुछ दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये बता दिए कि कितने परसेंट तक जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं आप ब्लैक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो अगर आपकी कोई भी और सी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो के हम आपके पास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बता दिए, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो।